Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. संबल लोकसभा में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारी कर ली गई है। वहीं मेरे साथ संबल लोकसभा के क्षेत्र की जनता है, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर मतदान किया जाएगा। जी, 7 मई को मतदान होगा, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, बीजेपी से जैसे परेशान हो चुका आदमी, बस उसी का जवाब देना है, वोट से देना है। किस तरीके का मुकाबला है? 3 पार्टियों के दावेदार जनता के बीच में उतरे हुए हैं, क्या लग रहा है? बसपा और बीजेपी का है सीधा। जियाउर रहमान मौजूदा विधायक हैं, क्या स्थिति है? मौजूदा विधायक होने के नाते तो ज़्यादा मामला ख़राब किया उन्होंने 2 साल में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके दादा सांसद थे तो उन्हें विधायक बना दिया मजबूरी में, अब फिर उन्हें सांसद बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नाम पर थोड़ी बनाया जाएगा, विकास भी तो होना चाहिए। 2 साल से अगर वो विधानसभा में आए हों तो बताएं वो कि किस काम पर वोट लेने के लिए आए हैं, बल्कि आना भी नहीं चाह रहे हैं। अभी तक वो 4 विधानसभा घूम लिए, 5वीं में आते हुए शर्म लग रही है उन्हें। किस नाम पर, किस चीज़ पर वोट मांगेंगे यहाँ के? अपनी विधानसभा में नहीं आ रहे, अपनी विधानसभा में नहीं आ रहे हैं। पूछो उनसे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, शर्म लग रही है कि किस चीज़ पर जाकर वोट मांगूँ, दादा के नाम पर थोड़ी वोट मिल रहे हैं। किस तरीके का मुकाबला रहेगा इस बार चुनाव में? बीजेपी और BSP का मुकाबला रहेगा। किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, क्या कुछ सोचते हैं? विकास नहीं कर रहा, विकास नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र में जाते नहीं, लोग फ़ोन करते हैं, इनका फ़ोन नहीं उठाते। जियाउर रहमान साहब आते नहीं है क्षेत्र में, सड़कें बड़के सब सारा विकास कुछ नहीं करा उन्होंने, आगे देखते नहीं इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग फ़ोन करते हैं काम के लिए भी, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते। बात करें शफीक रहमान बर्क साहब, सांसद रहे हैं, रहमान बर्क जो है मौजूदा विधायक हैं कुंदरकी विधानसभा के, जो आपके क्षेत्र में लगती है, तो क्या कुछ समस्याएँ रहीं क्षेत्र की जनता की, क्या कुछ मानते हैं? बस मजबूरी नहीं लोगों की, दूसरी पार्टी नहीं निकल पाई थी, वर्क साहब को जिताते थे, लेकिन अब वर्क साहब के जाने के बाद उनके पोते साहब हैं वो देख नहीं पाते, क्षेत्र में नहीं आते, वो पब्लिक परेशान रहती है, बारिश में विधायक संभाल नहीं पाते, लेकिन संभाल भी नहीं पाएंगे वो विधायक ही। जी, 7 मई को मतदान होना है, बहुत पास समय है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करना है इस बार? विकास का मुद्दा अहम है इस चीज़ में, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। यहाँ का हालत देखा जाए तो रोडों में इस तरीके से गड्ढे हुए पड़े हैं कि आम पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। सपोज़ करो अभी का प्रोग्राम हुआ था, हम डिंगरपुर गए थे, डिंगरपुर का हाल ये था कि हम अपनी बाइक को लेकर जा रहे थे, हालत ये थी 4 पहिया से जा रहे थे, 4 पहिया की कंडीशन इस तरीके से होने वाली थी कि 4 पहिया 2 पहिया बनने वाली थी, इतने खतरनाक गड्ढे थे। विकास का नाम तो कुछ ही नहीं करा इसने, फिर कौन से मुद्दे वोट करें हम इनको? लगातार जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, विधायक भी चुने गए हैं और सांसद भी लंबे समय से थे, तो कब से ये समस्याएं हैं और इस बार कैसे वोट देंगे? हमने तो ये फैसला किया, बोले ऐसा बात है, यहाँ पर जो है बीजेपी और बसपा का मुकाबला है, इसके अलावा और दूसरा प्रत्याशी इस लाइन में नहीं है। सपा वाले ये सोच रहे हैं, बोले ऐसा बात है, हम भी हैं इसमें, यहाँ पर इनका कुछ नहीं है, बेफालतू की भूल है इनकी, ये भूल में पड़े हैं ये लोग। जी, 7 मई को मतदान होना, क्या कुछ मुद्दे हैं? ये तो क्या नाम है इसका, ये गुरेल की तरफ जो रोड है, ये इसमें बहुत बहुत गड्ढे हैं, ये इसका विकास बिल्कुल नहीं हो पाया, कई काफ़ी टाइम से कर चुके हैं और जो लोगों ने धरने भी लगाए हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई अभी तक, और गड्ढे भी ऐसे ऐसे है कि आदमी गिर जाए तो वो उठेगा नहीं सीधा। चौधरी मोहम्मद इकबाल। अगर बात करें संबल लोकसभा की, तो किस तरीके का मुकाबला चल रहा है? संबल लोकसभा 3 प्रत्याशी है, परमेश वाला सैनी और बसपा प्रत्याशी सोलत अली साहब, जियाउर रहमान साहब। परमेश वाला सैनी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जियाउर रहमान मौजूदा विधायक हैं, वो अपने विधायक के टाइम में 2 साल में कामयाब नहीं हो पाए, पूरे क्षेत्र में उनकी थूथू मची हुई है, कहीं उन्होंने जाकर नहीं देखा, इसलिए आज की तारीख में बसपा प्रत्याशी संभव भारी है। क्या ना वजह है नाराजगी जो है जियाउर रहमान? नाराजगी है कि उनके दादा कई बार सांसद रहे यहाँ से, उन्होंने कोई काम कौम के लिए ऐसा नहीं किया जो कौम याद करे, जैसे कि मान लिया मेडिकल कॉलेज होता, लोगों के काम में आता, सभी धर्मों के काम में आता, या कोई अस्पताल होता, अस्पताल बनवाते, या रेलवे लाइन कोई करा दे, संभल वाले लोग आज तक रेलवे मतलब मुरादाबाद आते हैं बैठने के लिए, ट्रेन में बैठने के लिए, उन्हें दिल्ली कहीं बाहर जाना होता तो संभल से मुरादाबाद उन लोगों को आना पड़ता है, ये वजह है। जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान होना है? जनता के मुद्दे विकास, विकास का मुद्दा है, विकास में दोनों दादा पोते कामयाब नहीं हो पाए, एक सिर्फ क्या नाम है गठबंधन के नाते, इसके नाते उसके नाते आज तक जीतते चले आए, लेकिन अब पब्लिक का मूड बदल गया है, पब्लिक समझ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए कि पूरी लीडरशिप ख़त्म करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी, मुख्तार अंसारी साहब को ख़त्म करा दिया,
अतीक साहब को ख़त्म करा दिया, आजम खां ख़त्म में है ये मान लो, और दूसरी बात यह है कि क्या नाम है इरफान सोलंकी हैं वो अंदर बंद पड़े हैं, क्या सारे माफिया क्या नाम है मुस्लिम लोगों में ही हैं क्या? एसटीएस का टिकट कटा, 63 लोकसभा लड़ा रहे हैं अखिलेश जी, जिसमें 4 मुस्लिमों को उन्होंने टिकट दिया है, जबकि 125 जो गठबंधन की 2022 में सीटें आई थी उन सीटों में सारी सीटें मुस्लिमों की वजह से वो जीती थी, जहाँ 35% यादव होता था जो यादव बहुल्य सीटें कहलाती थी वहाँ पर सब बीजेपी जीती थी। ऐसे ही 2019 में हुआ था, 2019 में 15 सीटें गठबंधन जीत पाया, 10 सीटें मायावती जी जीती और 5 सीटें समाजवादी पार्टी। उसमें हुआ क्या था कि जहाँ यादव बहुल्य क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम बहुल्य थे वहाँ पर 15 सीटें गठबंधन की जीती, बाकी जहाँ यादव लोग थे वहाँ पर जो है क्या नाम है सपा हारी और बीजेपी जीती। हम तो ये मानते हैं कि अखिलेश जी का ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, बीजेपी से सीधी सीधी सेटिंग है और मुस्लिम लीडरशिप खत्म करने की साजिश है। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, अगर बात करें संभल लोकसभा ही किस तरीके का चुनाव रहा है। चुनाव तो ये रहा था कि डॉक्टर बख्श साहब सांसद रहे संभल लोकसभा से, कभी उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे इस बिरादरी के वोट कितने हैं या हमारे वोट कितने हैं। हम 3,80,000 वोट हैं हमारा इस बार लोकसभा पे, उसमें उन्होंने डॉक्टर बख्श साहब ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे ज़्यादा वोट इस सीट पे कितना है, न उन्होंने कभी हमारी गिनती करी। अब कैसे हमारे जो सांसद जी 16 दिल्ली साहब खड़े हुए हैं ये बिरादरी के पक्ष पर लेकर खड़े हुए हैं टिकट ले, अब इसमें ये बता दीजिए 16 डॉक्टर बख्श साहब ने जो सांसद रहे थे यहाँ इन्होंने क्या विकास करा, यहाँ कोई विकास नहीं करा। कुंदरकी से लेकर डूंगरपुर तक की सड़क है वो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, लोग इन्हें फ़ोन करते फ़ोन उठाते नहीं है। इसमें मुद्दा यह है कि भाई हम अपने 16 दलित साहब को सांसद बनाएंगे और अपनी कामयाबी आगे बढ़ाएंगे। संभल लोकसभा की जनता से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। अब देखना यह होगा संभल की जनता किसके लिए मतदान करेगी। और अगर बात करें यहाँ के मुकाबले की तो त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। शारिक सिद्दीकी, TV9।